हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल के जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचता रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं केरल में हुए हादसे के बारे में। कोझिकोड प्लेन क्रैश, दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 191 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से बाहर चला गया। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। DGCA ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। विमान हादसे में पायलट कैप्टन दीपक साठे समेत 16 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 123 घायल हुए हैं। इसमें 15 की हालात गंभीर बताई जा रही है। दूसरे पायलट की भी मौत हो गई। एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी को प्लेन से निकाल दिया गया है। वह यात्री भी प्लेन के भीतर सुरक्षित है। हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस पायलट की उड़ान संख्या IX1344 है। यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। प्लेन में सवार कुल 191 लोगों में से 174 वयस्क यात्री हैं, 10 नवजात हैं, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर शामिल हैं। घायलों को अस्पताल ले जा रहा है। कोझिकोड कारिकूर एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्य के लिए कम से कम 15 एम्बुलेंस को लगाया गया है। विमान का आगे का नोज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान के अगले हिस्से में ही पायलट केबिन होती है, इसलिए दोनों पायलटों की मौत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। फिलहाल घायलों और मृतकों की संख्या के बारे में कोई पुष्टि नहीं मिल पाई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके दो हिस्से हो गए। मल्लपुरम के SP से समाचार एजेंसी NI को बताया कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसे में कुल 16 यात्रियों की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में 123 यात्री घायल हैं। इसमें 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शारजाह में 00971657903 पर हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया है। लोग अपडेट के लिए कॉल कर सकते हैं। DGCA के आधिकारिक बयान में बताया गया है कि कारिकूर एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर लैंड करने के बाद प्लेन फिसल गया और घाटी में गिर दो हिस्सों में बट गया। केरल के CM पिनाराई विजन ने विमान हादसे के बाद ट्वीट करके कहा, पुलिस और दमकल विभाग को कोझिकोड एयरपोर्ट पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। बचाव और मेडिकल सहायता के लिए अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने टाइम्स नाउ को जानकारी दी है कि कोझिकोड विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है। और फ्रेंड धन्यवाद, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग यार देख के ना छोड़ा करें, दिल से बुरा लगता है। धन्यवाद।